आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा, जैसे सॉलिड एंगल के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी क्लोज्ड 3D सरफेस है तो उसके अंदर में उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो जो क्लोज्ड 3D सरफेस है वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 4π। ये हम लोग को ध्यान में, अगर क्लोज नहीं है कोई एक है ठीक है कहीं भी किसी पॉइंट पे, तो कुछ ना कुछ वो बनाएगा ठीक है, विच इज लेस देन 4π, ग्रेटर देन 0 ठीक है। अब कोई क्लोज 3D सरफेस है, बाहर में कोई पॉइंट है क्लोज 3D सरफेस, तो इस क्लोज 3D सरफेस को जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे से घुमा, तो यहां पे भी आप देखोगे जब ये ऐसे से घुमा तो ये ऐसे से जा रहा है ठीक है, और फिर ये जब ऐसे आया तो फिर ये वापस आ गया ठीक, ऐसे ऐसे आ रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है ठीक है, और फिर जब ये ऐसे आया, जैसे आप ध्यान दो ऐसे समझो जैसे हम स्फीयर को लेकर बना रहे हैं ठीक। जैसे अगर हम ये करें कि मान लो क्लोज्ड के लिए पहले देख लो अंदर के लिए, जैसे ये स्फीयर का कोई पोर्शन ठीक है, यहाँ सेंटर है तो ये दिख रहा है हमको, अभी अगर ऐसे बढ़ते जाएगा तो ये भी बढ़ते जा रहा है ठीक है, हम एक तरफ से ही बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, फिर और बढ़ा और बढ़ाइए ठीक है, ये ऐसे बढ़ा और बढ़ा ऐसे बढ़ा, ये पूरा जब होगा तो ये ऐसे जब होगा ठीक है, यहाँ तक बढ़ा, फिर और बढ़ा तो यहाँ तक बढ़ा ठीक है, फिर यहाँ तक आया तो ये पूरा ऐसे वापस ऐसे घूम गया, तो जब ऐसे पूरा कंप्लीट ऐसे घूम जाए तो 4π हो जाएगा। अब वही चीज़ बाहर के लिए देखिए ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बाहर कोई पॉइंट है ठीक, और यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे जा रहा है ठीक, ये बन रहा है ठीक, फिर ऐसे गया ये बना, फिर ये ऐसे जब घूमा तो ये वापस कम होने लगा ना, वापस घटने लगा, ये जब ऐसे आया तो ये वापस यहाँ जब आया तो वापस 0 पे आ गया, ऐसे जा के वापस आ गया ठीक, फिर से 0 हो गया, जब ये इधर आया तो फिर से बढ़ा नीचे बढ़ा, फिर ऐसे आया ये नीचे बढ़ा ठीक, पर जब ये वापस ऐसे आएगा तो फिर ये वापस चला जाएगा। तो जब आप बाहर के लिए देखोगे ठीक है, बाहर के लिए देखोगे तो ये एकदम ऐसे ये एंगल बन रहा है, और क्लोज करते जाओ ठीक है तो ये क्लोज होते जाएगा, जैसे अगर आप ऐसे देखो बाहर के लिए, ये बाहर का पॉइंट है तो ये भी सॉलिड एंगल है हमारे पास ठीक, और अगर क्लोज करते जाओ इसको ठीक है तो कम होते जा रहा है, क्लोज करते जाओ तो और कम होते जा रहा है, कम होते होते एक समय क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा ठीक है। तो बाहर क्लोज्ड 3D सरफेस के बाहर कोई पॉइंट है तो क्लोज्ड 3D सरफेस जो वहां पे सॉलिड एंगल बनाएगा वो 0 बनाएगा ठीक है। तो अगर क्लोज्ड 3D सरफेस के अंदर है तो क्लोज्ड 3D सरफेस कितना बनाएगा, 4π, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो क्या बनाएगा, 0 ठीक है। अगर मान लो कोई क्लोज्ड 3D सरफेस थोड़ा सा भी खुला हुआ है तो कुछ ना कुछ वो एंगल सॉलिड एंगल बाहर बनाएगा ठीक है, विच इज ग्रेटर 0 एंड लेस देन 4π ठीक है, क्लोज टू 0 होगा। तो अगर कहीं भी ओपन है तो कोई ना कोई अंदर वो बाहर वो क्या बनाएगा, सॉलिड एंगल बनाएगा, और क्लोज्ड है तो अंदर 4π बाहर 0। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में बैठाए रखिएगा, क्लियर है। चलिए बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टिल देन स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉसियन लॉ स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।